चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि राफेल पर महाभारत जारी है, कैग से हम रिपोर्ट मांगेंगे और रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया है, कैग से पूछेंगे कब राफेल पर रिपोर्ट की गई है। खड़गे का ये बयान आया है, झूठ बोलने के लिए मोदी सरकार माफी मांगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जो है वो झूठ बोल रही है रफाल मामले में। और ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी रफाल मामले में। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे में कोई गुंजाइश नहीं है, जो प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से की गई थी। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का रफाल मामले में। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पीआईएल के ऊपर आया है और राफेल के बारे में खास करके जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन दी गई है, उसके सामने सरकार ने जिन चीज़ों को ठीक ढंग से रखना चाहिए था उन्होंने नहीं रखा, और ऐसा वहाँ पर सरकार के ओर से जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट का एक अंदाजा बोलिए या उनको ऐसा महसूस हुआ कि सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट में और वो सीएजी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आई है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसकी जांच हो गई है। जब ये सारी चीजें हो गए हैं तो ये ठीक है, ऐसा अंदाजा उन्होंने लगाया। और इसका जिस्त तो मैं पढ़ लूंगा, आपको भी मालूम है। तो आपने सुना कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है और देश को धोखा दिया गया है और इसकी जांच जो है, इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी जेपीसी से और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि तस्वीर आखिर है क्या। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लगातार कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है रफाल मामले में। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता ललित नारायण कालपार। ललित, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है उसको किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि अब भी कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं मोनिका कि कांग्रेस इस वक्त जानती है कि अगर वो कोई भी एक ऐसी बात कहेगी जिस बात में कोई तथ्य ना हो तो वो बात उसके लिए कहना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में फैसला आया है उसके बाद कांग्रेस की बड़े स्तर पर जो है किरकिरी हुई है। अब वो सोशल मीडिया से लेकर हो या फिर एक सामान्य जो जनजीवन है उसमें बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस की इमेज को। लेकिन अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे एक फैक्चुअल बात निकाल कर सामने लेकर आए हैं। उनका कहना है कि जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य रखा कि सीएजी रिपोर्ट आ गई है और वो सीएजी रिपोर्ट पार्लियामेंट होते हुए पीएससी के भी पीएससी ने भी उसको क्लियरेंस दे दी है। तो जबकि पीएससी के जो इंचार्ज होते हैं वो नेता विपक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें जो नेता प्रमुख है उस पीएससी के, वो उनका ये कहना है कि मेरे सामने जब कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं आई है तो ऐसा क्यों कहा गया सरकार की तरफ से वहां पर। तो ये जो पूरा तथ्य है, ये तथ्य जो है अब इसका जवाब जो है वो सरकार को देना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या सरकार की तरफ से ऐसा रखा गया
या ऐसा कुछ नहीं रखा गया? क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो कि कल लगातार बीजेपी सवाल खड़े करती रही। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये सवाल उठाया कि जब कांग्रेस इतनी बातें कर रही है, इतनी तथ्यात्मक बातें कह रही है, वो कह रही है कि उसके पास इतने सबूत हैं, तो आखिर वो सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? क्यों नहीं उसने सुप्रीम कोर्ट में इन सारे तथ्यों को रखा ताकि रफाल मामले पर सरकार को घेरा जा सके? लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच नहीं कर सकता है, इस मामले की जांच केवल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है, जिसमें कि जिसको कि कई सारे अधिकार होते हैं। तो कुल मिलाकर अब राजनीति यहां पर आकर रुक गई है, और एक लाइन में अगर कहा जाए कि कांग्रेस रफाल के मुद्दे को अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ललित, जिस तरीके से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी गई है केंद्र सरकार को, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस जो है लगातार बोली जा रही है कि नहीं, गड़बड़ हुई है राफेल मामले में, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर कोसा जा रहा है लगातार इसके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर माना यह जा रहा था कि शायद अब कांग्रेस जो है यहाँ पर चुप रहे इस मामले में, क्योंकि ये देखा भी गया था ललित, क्योंकि विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को बहुत घेरा था, बीजेपी को बहुत कोसा था भ्रष्टाचार को लेकर। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने इस रफाल के मामले को भुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी, बकायदा चुनाव प्रचार के दौरान भी रफाल आया था, जब कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के प्रमुख ने रैलियों में जा जाकर ये कहा था कि चौकीदार चोर है, और कल बीजेपी ने इसी मामले पर जवाब दिया था। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा शर्मिंदगी का विषय ये भी था कि कांग्रेस ने जिस तरह से इस पूरे मामले को रखा, उसने एक तरह से इस तरीके से इस पूरे मामले को रखा कि वो निकाल पॉइंट्स निकाल कर लाई है, पॉइंट ऐसी जानकारी निकाल कर लाई है जिसके जरिए ये साबित होता है कि मोदी सरकार ने घोटाला किया, मोदी सरकार ने महंगा जहाज खरीदा जबकि उनकी सरकार ने सस्ता जहाज खरीदा था। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस ने किसी भी स्तर पर, अब वो राज्यों के स्तर पर हो या नेशनल स्तर पर हो, बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट्स को रख के ये बताने की कोशिश की थी कि राफेल में घोटाला हुआ है, लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बात निकलकर सामने आई उसके बाद ये साफ हो गया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। जी जी ललित, ऐसे कौन से तथ्य हैं जिन तथ्यों के सहारे कांग्रेस इतना बड़ा आरोप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी बीजेपी पर लगा रही है कि नहीं, राफेल मामले में गड़बड़ी हुई है? देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि सीएजी में कांग्रेस गई थी, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था जिसने मांग की थी सरकार के सीएजी से कि वो इस पूरे मामले की जांच करे ताकि इस पूरे मामले में सच और झूठ जो है बिल्कुल दूध और पानी की तरह साफ साफ हो, अलग अलग हो सके। लेकिन इस पूरे मामले में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरह का तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, वो भी अपने आप में एक बात है कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट कब आई, वो पार्लियामेंट में कब आई, और वो पीएससी के जरिए कब पास हो गई, क्योंकि पीएससी के चेयरमैन ही खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आई तो उसको पीएससी की मोहर कैसे लगा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है, अब इस पूरे मामले पर सरकार को जवाब देना है कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कहती है। जी बिल्कुल ललित, ये पूछना चाहूंगी आपसे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरीके से सवाल खड़े करना कितना सही है और किस तरीके से इसको लिया जाए? देखिए, अगर कांग्रेस के इस तर्क की बात की जाए तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े नहीं कर रही है, कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा तथ्य रखा है। सरकार ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, वो पार्लियामेंट में आ गई है और वो पीएससी में भी आ चुकी है, जबकि ऐसा उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये क्यों आखिर सरकार झूठ बोल रही है? तो ये जो सारा मामला है, अब इस मामले में जब तक सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं होता है तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मोनिका जी बिल्कुल, यानी कि अब यही कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जब कुछ बोला जाएगा तभी इस मामले में जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के ललित।